सबसे पहले आप सभी लोगों को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली का त्यौहार चल रहा है और आपको पता होगा कि कल यानी कि धनतेरस से ही हमारे इस दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार का प्रारंभ हो चुका है और आज दीपावली का दूसरा दिन है जिसे हम लोग छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त केबी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की विशेष कक्षाओं में। उत्तर प्रदेश की विशेष कक्षाओं के अंतर्गत यह हमारा 13वां वीडियो है जिसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आगे 4 से 5 वीडियो और होंगे जिनमें जो भी बची हुई चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और इन सारे वीडियो की जो PDF है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जा करके टेलीग्राम चैनल पर आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महान कवि सूरदास के बारे में। किसके बारे में? सूरदास के बारे में। सूरदास जी जिनका जन्म हुआ था 1478 में, सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में, रुकनता नामक एक गांव है जो कि मथुरा आगरा के बीच में पड़ता है। कहां पर? रुकनता नामक गांव मथुरा और आगरा के बीच में। सूरदास जी भक्ति काल की जो सगुण भक्ति शाखा थी उसमें कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि थे। अब जो लोग हिंदी साहित्य को डिटेल से पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों ने 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ा था, तो 11वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वहाँ पर अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पर सभी कालों के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिर भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, फिर कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, ऐसे करके बहुत सारी शाखाएं थी। तो वहाँ पर जो हमारे सूरदास जी हैं वह भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि थे। इनके पिता का नाम था रामदास, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। और अगर हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में तो इनकी रचनाएँ हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। अब सूरदास के बारे में आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैसे कि इनका नाम सूरदास है तो बहुत लोगों को ये शायद पता होगा या माना जाता है कि ये अंधे थे। तो इनके इस अंधे होने के संबंध में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है, लेकिन एक कहानी जो प्रचलित है जिसको मैंने कई स्थानों पर पढ़ा उसमें बताया गया है कि ये बचपन से ही कविताएँ लिखने का इन्हें शौक था और उसे गाने का शौक था। एक बार ये किसी सागर के किनारे बैठ करके गा रहे थे और उसी समय वहाँ पर कोई युवती नहाने या पानी भरने के लिए आई हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो उसे देख करके ये वहाँ पर मोहित हो गए थे, उस युवती को देख करके। बाद में उस युवती ने भी इन्हें पहचान लिया कि इनका नाम ही है और उसके बाद में इन दोनों की शायद जो प्रेम संबंध है वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जब इनके पिता को पता चल गया इसके बारे में तो उन्होंने इसके लिए इन्हें मना कर दिया। तो शायद उसी से क्षुब्ध होकर ये एक मंदिर के बाहर रहने लगे। पुनः कहा जाता है कि उस मंदिर में एक बार एक नव दंपत्ति जोड़ा आता है, यानी कि दो पति पत्नी आते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। तो उस पत्नी के पीछे पीछे ये उनके घर चले जाते हैं और वहाँ पर सलिया लेकर के अपनी आँखों में डाल के अपनी आँखें फोड़ लेते हैं। अब इन सारी कहानियों के पीछे क्या सच्चाई है इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया था तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेम संबंध से होकर के ही शायद ये इतने बड़े ज्यादा कवि बने थे। तो सूरदास के बारे में हमने बात की, अब हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। किसके बारे में? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1553 ईस्वी में। कहां पर? कासगंज में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? कासगंज में। और अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ पर खड़ी बोली है जिसमें इस समय आप लोग वीडियो देख रहे हैं या जिनमें हम लोग अक्सर बात करते हैं उसे हम कहते हैं खड़ी बोली। और खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को ही। किसको? अमीर खुसरो को ही। यहाँ पर आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं आपको यहाँ पर थैंक यू या किसी भी प्रकार से धन्यवाद देने की मेरे वीडियो में ज़रूरत नहीं है। आपको लेकिन एक काम जरूर करना चाहिए कि जिस भी टॉपिक के मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस भी टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस टॉपिक से संबंधित अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिख दिया करें। तो इससे क्या होगा कि जो भी लोग देखेंगे, जो भी लोग कमेंट पढ़ेंगे उससे उनका फायदा ही होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक वीडियो से ही आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरा निवेदन यही है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें अगर उससे संबंधित आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करें।
तो चलिए, अमीर खुसरो के बारे में हम बात कर रहे थे, तो खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन काल देखा होगा, देखा था। अगर आपको ये सन याद हो 1253, तो 1206 में ही हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है मध्यकालीन भारत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास काल 1253 में 1206 से 1210 तक होते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में इल्तुतमिश आते हैं, फिर रजिया सुल्ताना आती है, फिर बलबन आता है, फाइनली बलबन को मार करके बनता है गयासुद्दीन, सॉरी गयासुद्दीन नहीं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, खिलजी वंश का गयासुद्दीन खिलजी, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार से पूरा दिल्ली सल्तनत चलता है। तो इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था उस समय दिल्ली में। इसके अलावा इनके पिता का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद। क्या नाम था? अमीर सैफुद्दीन महमूद। और अगर हम बात करें तो जो आप लोग वर्तमान में कव्वाली सुनते हैं या जो सितार बजाया जाता है, वह माना जाता है कि कव्वाली जो गायक जाती है उसका श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है कि इन्हीं के द्वारा इसकी खोज, इसका इसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, कव्वाली और सितार। तो ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय इन्हें दिया जाता है, कव्वाली और सितार को भी इन्हीं के द्वारा आविष्कार किया गया माना जाता है। और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत थे। और अगर इनकी हम रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, हालात कन्हैया, नजराना ये हिंदी। क्या क्या? खालिक बारी, हालात कन्हैया और नजराना ये हिंदी। अगले हमारे हैं कबीरदास। कौन है? हमारे एक और महान कवि कबीरदास। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, जिन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। तो इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में। और अगर हम बात करते हैं तो कबीरदास जी भक्ति कालीन युग के ही ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत निर्गुण शाखा के कवि थे। किसके अंतर्गत? ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत निर्गुण शाखा के कवि थे। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के ये आलोचक थे। आपने सुना ही होगा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़मुल्ला बाग दिए क्या बहरा हुआ खुदाए। उसके अलावा इन्होंने कहा था पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और पता नहीं आगे क्या था। तो इन्होंने दोनों धर्मों की आलोचना की थी। किसकी? हिंदू धर्म की और इस्लाम धर्म की। तो इनके कुछ जो समर्थक थे उन्होंने कबीर पंथी नाम का एक दूसरा धर्म भी चला दिया था। उसके बाद में अगर इनकी हम भाषा की बात करें कि जिन भाषाओं में ये रचनाएं करते थे, तो उनमें हमारी थी सधुकड़ी भाषा। अब सधुकड़ी भाषा कौन सी भाषा होती है, आपके मन में सवाल उठेगा। तो ऐसी भाषा जिनमें अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी, इन सारी भाषाओं का समन्वय हो, उस भाषा को हम कहते हैं सधुकड़ी भाषा। कौन सी? सधुकड़ी भाषा। आगे अगर हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचनाओं को हम जानते हैं बीजक के नाम से, जिसमें हमारी तीन मुख्य चीजें हैं साखी, शबद और रमायणी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके द्वारा जो भी बोला जाता था वह इनके शिष्य लिख लेते थे, और उन्हीं सारे लिखी हुई चीजों का यह संग्रह है बीजक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मृत्यु इनकी हुई थी 1494 में, मगहर में इनकी समाधि बनी हुई है। इनके मृत्यु के संबंध में भी एक किंवदंती है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करने लगे थे कबीर के शरीर को लेकर के। तो इनका शरीर एक फूल में बन गया था, फूल को वहां पर बनाया गया था मगहर, जो कि मेरे जिले के पास ही है। अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर कबीर को हिंदू धर्म वाले और मुस्लिम धर्म वाले दोनों का एक ही जगह पर बना हुआ है, बीच में से भी आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर उनकी समाधि है और यहाँ पर उनकी जहाँ पर जलाया गया था या जो भी हिंदू परंपरा के अनुसार हुआ था, तो यहाँ पर आपको एक अनूठी चीज देखने को मिलती है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के विवाद है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही छोटे से एरिया में ही दोनों चीजें बनाई गई है। अब हम चलते हैं आगे। अगले हमारे हैं निजामुद्दीन औलिया। कौन है अगले हमारे? निजामुद्दीन औलिया। तो इनका जन्म हुआ था 1238 में बदायूं उत्तर प्रदेश में। किसके गुरु थे ये? अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिश्ती घराने के ये चौथे कवि थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सूफी संत थे। उपाधियां इनको काफी सारी मिली हुई थी, जैसे महबूब ए इलाही, सुल्तान उल मसाहक, दस्तगीर ए जोजहा, जग उजियारे, कुतुबुद्दीन ए दिलही। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ये रहते थे। और इनके बारे में आपने एक चीज और सुना होगा कि इन्होंने ही नारा दिया था कि दिल्ली अब दूर है, दिल्ली अब दूर है। इसके अलावा इनका मकबरा जो है वह दिल्ली में है। आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहां पर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, वहीं पास में ही अमीर खुसरो का भी मकबरा है, यानी कि गुरु और शिष्य दोनों का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। अगले हमारे हैं महान कवि तुलसीदास। कौन है अगले हमारे कवि? हैं
महान कवि तुलसीदास। तो इनका जन्म हुआ था 1511 में, कहाँ पर? सूकरगंज, कासगंज एटा, या कई बार राजापुर चित्रकूट भी कहा जाता है। तो कई सारी मान्यताएं हैं इनके जन्म के संबंध में। गुरु इनके थे नरहरि दास। कौन था? नरहरि दास इनके गुरु थे। पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था तुलसी। तो ये सारी चीजें आपने बचपन में भी पढ़ी होंगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो श्री रामचरित मानस है वह दुनिया के 100 सबसे अच्छे काव्यों में 46वें स्थान पर है। यानी कि दुनिया की जो 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं उनमें 46वें स्थान पर है श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस किस पे बेस्ड है? रामायण पे। और आपको पता होगा रामायण कौन लिखा था? वाल्मीकि, जो कि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। और कई बार तुलसीदास को वाल्मीकि का ही पुनर्जन्म माना जाता है। आगे अगर हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचनाएं हैं रामलला, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहुक। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी रचनाएं याद नहीं करनी है, एक दो बार आपको पढ़ लेना है। अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वहां से आप रिकॉल कर सकते हैं और आसानी के साथ में उत्तर दे पाएंगे अगर आपने एक बार पढ़ा होगा। अगले हमारे हैं महान कवि, राजनेता और एक प्रखर वक्ता, जिनका नाम है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। और हाल ही में अभी इनका निधन हुआ है, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो जन्म इनका हुआ था 1924 में ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें तो ये एक महान भारतीय नेता, पत्रकार भी थे, कवि भी थे और एक प्रखर वक्ता भी थे। इसके अलावा भारत के 10वें प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे ये। मृत्यु उनकी हुई 16 अगस्त 2018 को। और आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जितने भी राजनेता भारत में हुए थे उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छी छवि आपको देखने को मिलेगी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की देखने को मिलेगी। यानी कि चाहे पक्ष का कोई हो या विपक्ष का हो, सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते थे। और शायद इसीलिए कि इनके सत्ता में ना होने के बावजूद यूएन में इनको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था। तो राजनेता के साथ साथ ये अच्छे कवि भी थे। इनकी मृत्यु के समय आपने इनकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी भी होंगी। तो इनमें है मेरी 51 कविताएं, रग रग हिंदू मेरा परिचय, अमर बलिदान और अमर आग है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कविताएं भी इनके द्वारा लिखी गई थी। अगले हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका जन्म हुआ था 1477 में रायबरेली में। और अगर हम बात करें तो ये भी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। किसके? निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। गुरु इनके थे शेख बुरहान और सैयद अशरफ। जो इनके गुरु थे उनका नाम था शेख बुरहान व सैयद अशरफ। इसके अलावा अगर इनके हम पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था मलिक राजे अशरफ। रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा। इसमें से आपको पद्मावत को ध्यान रखना है, जिसके नाम पे पद्मावत मूवी बनाई गई थी। और पद्मावत में ही रानी पद्मिनी के बारे में सबसे पहले जिक्र मिलता है। तो आप देख सकते हैं 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उसके काफी सालों के बाद, लगभग 1500 के बाद लिखा गया था ये पद्मावत ग्रंथ। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आखिर में मलिक मोहम्मद जायसी को उस समय की घटना के बारे में कैसे पता चला। तो ये तो या तो यही बता सकते हैं, और आपने देखा भी होगा कि पद्मावत मूवी के समय कितना ज्यादा बवाल मचा था पूरे देश में। उसके बाद में अगले हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस तरह से अब हम आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य है उसके आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं। यहां पर हम बात करेंगे एक प्रखर कवि जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में वाराणसी, बनारस या काशी, आप जो भी कहें, वहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही। उसके बाद में ये जो छायावादी युग था आधुनिक युग के अंतर्गत, उसके चार स्तंभों में से एक थे। ये एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार भी थे। प्रारंभिक भाषा जो इनकी थी ब्रज थी, लेकिन बाद में जो इनकी रचनाएं थी वह खड़ी बोली में परिवर्तित हो चुकी थी। रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें है कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पृथ्वी। और कामायनी आपने अगर पढ़ी होगी तो काफी ज्यादा मजेदार कविता है, आपको कामायनी जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद में नाटकों की बात करें तो इनके नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूट। उसके बाद में अगला कहानी संग्रह की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो वो हमारी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल।
उसके अलावा अगर इनके उपन्यास की बात करें तो वह हमारा है कंकाल, तितली, इरावती। तो इस तरह से ये सारी रचनाएं हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहां से आप एक बार इनको और देख लीजिएगा। अगले जो हमारे महान कवि हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जन्म इनका हुआ था 19 अगस्त 1907 में बलिया में। आधुनिक काल के ये लेखक और अच्छे एक निबंधकार भी थे। पिता की बात करें तो इनके पिता थे श्री अनमोल द्विवेदी और इनकी माता थी श्रीमती ज्योतिषमती। रचनाओं की अब बात कर लेते हैं इनके, तो काफ़ी सारी रचनाएं इन्होंने की थी। आलोचना में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाच संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ये बहुत सारी रचनाएं हैं, तो ये आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। निबंध की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, अलोक पदे। उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, आनंददास का पोथा, ये सारी हैं। अन्य की बात करें तो संक्षिप्त, पृथ्वीराज दासो, संदेश, रासक, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण। अब हम बात करेंगे अगले हमारे महान कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो बस्ती में ही इनका जन्म हुआ था, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर इनका गांव है, इनके गांव का नाम है अगौना। और अगर हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, तो ये काफ़ी दूर के एक रिश्तेदार भी लगते हैं, यानी कि इनका जो घराना है वह दूर का रिश्तेदार भी है मेरा। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती में, जैसा कि मैंने आपको बताया अगौना। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके रिश्तेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके अपने भी उसको नहीं पहचानते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप भी मान सकते हैं, काफ़ी दूर के रिश्तेदार लगते हैं ये। तो 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती में जन्म हुआ था। आधुनिक काल के ये लेखक, आलोचक, कथाकार और कवि थे। पिता के इनके नाम था चंद्रबली शुक्ल। और रचनाओं की अगर हम इनकी बात करें तो आलोचना इनकी थी सूर, तुलसी और जायसी पर की गई आलोचनाएं। उसके अलावा इनका निबंध था चिंतामणि, मित्रता और अध्ययन। उसके अलावा अनुदित जो इन्होंने अनुवाद किया था उसमें था शशांक, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, ये सारी अनुवादित रचनाएं थी। अगले हमारे हैं मिर्जा गालिब। तो गजब मिर्जा गालिब के सेब तो आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। और मिर्जा गालिब की बात करें अगर हम लोग, तो 27 दिसंबर 1796 में आगरा में इनका जन्म हुआ था। और उर्दू और फारसी भाषा के ये शायर थे। अगर हम गालिब की बात करें तो आप इनको कवि की श्रेणी में शायद ना रखें, ये एक महान शायर थे। इनकी शायरी अगर आपने पढ़ी होगी तो काफ़ी मज़ेदार होती थी। मुगल काल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी भी थे। बहादुर शाह जफर जिन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व भी किया था। पिता के इनके नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग और माता का नाम था इज्जत उत निसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम गालिब, और इनका यहाँ पर एक शेर है जो मैं पढ़ना चाहूंगा कि मुझसे कहती है तेरे साथ रहूंगी सदा। क्या? मुझसे कहती है तेरे साथ रहूंगी सदा, गालिब बहुत प्यार करती है मुझसे उदासी मेरी। तो क्या गजब का शेर लिखते हैं। मौका मिले तो आप लोगों को भी गालिब के शेर जरूर पढ़ने चाहिए। उसके बाद में आज के हमारे इस वीडियो के आखिरी कवि हैं आधुनिक युग के एक महान कवि जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस, काशी या आप कह सकते हैं वाराणसी में हुआ था। हिंदी साहित्य के इन्हें पितामह कहा जाता है, हिंदी साहित्य का इन्हें पितामह कहा जाता है। और जो आधुनिक युग की शुरुआत होती है इन्हीं के समय से हुई थी, यानी कि जो आधुनिक युग है हमारे हिंदी साहित्य का उसकी शुरुआत जो मानी जाती है जब इनका जन्म हुआ था उसी समय से उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये पत्रकार भी थे, नाटककार भी थे और काव्य के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान अपना दिया था। पिता के इनके नाम था गोपाल चंद्र। और अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। काफ़ी कम आयु तक ये जीवित रहे थे, मात्र 35 वर्ष की आयु में। और आप सोच सकते हैं कि 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने काफ़ी सारी भाषाओं पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और इसके अलावा इतनी सारी रचनाएं कर दी थी। आप सोच सकते हैं कि उस समय के लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते थे या कितना ज़्यादा पढ़ते लिखते थे कि 35 साल में इन्होंने इतनी सारी सेवा कर दी। अगर ये कहीं 70-80 साल जिए होते, अगर 70-80 साल की इनकी आयु होती तो आज एक बहुत ही विशाल संग्रह होता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। लेकिन वो कहा गया है कि जो लोग अच्छे होते हैं शायद भगवान भी उनको जल्दी याद कर लेता है। तो इनके मौलिक नाटकों की बात करें तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न होती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य, विस्मोदकम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप, तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में काव्य की बात करें तो इनके काव्य में है भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तराद, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद,
विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, सॉरी, नए जवानी की मुकरी, स्वांजाली, बंदर सभा, बकरी मिलाप, तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह से हमारा ये समाप्त होता है। वर्तमान समय में भी आपको उत्तर प्रदेश से बहुत सारे कवि को देखने को मिलता होगा, जैसे कि हमारे कुमार विश्वास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा, अब इस समय देखिए मेरे दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा है, कुमार विश्वास के अलावा राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राणा साहब, तो इन सारे लोगों की कविताएं आप लोगों ने सुनी होगी, आपको सुननी भी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये लोग कविताएं कहते हैं। वसीम बरेलवी, तो ये सारे भी हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के प्रमुख कवि हैं। और यहीं पर वसीम बरेलवी की एक कविता के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा मगर समझा नहीं जाता। तो इस वीडियो को आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।